अपने माँ बाप से ताकते हैं, वैसे वो मेरा भाई जो देश के लिए शहीद हुआ, जब वो जागता था तो हम सोते थे। इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि पूरे हिंदुस्तान के हम वतन लोग एक दूसरे से मिलकर इस मुश्किल के घड़ी में हम लोग एक साथ कदम मिलाएं और उन लोगों का साथ दें जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, ना कि हम लोग आपस में लड़े। और ये हमारा जो कॉन्डोलेंस है वो हमारे अपने भाई के लिए है। वो शहीद हमारा भाई था, वो हमारे बीच में से था, आपके बीच में से था, वो आपका बेटा था। इसलिए आप लोग जो भी चलेंगे दायरे में चलेंगे, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं करेंगे। हम उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और हम अपने देश को ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान भी किसी से पीछे नहीं है। अगरचे हमारे गर्दन की हमारे सर की जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान को, तो सबसे पहला सर हमारा होगा। तो आप लोग ये आप लोग तहिया कर लीजिए कि हम लोग यहाँ से चलेंगे। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं अभी इस नाजुक घड़ी में, आपको संयम बरतना है और खामोशी से आगे चलना है। आप सब लोग खामोशी से यहाँ से हम लोग कारगिल चौक पर जाएंगे और इस नाजुक घड़ी में अपने भाई की शहादत का गम मनाएंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी हम कुरान खानी भी करेंगे, उनके बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर हमको लड़ना है, अगर हमको कुछ करना है इस देश के लिए, इस नौजवानों के लिए, तो हम लोग आपस में जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है कंट्रीब्यूशन करें। 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया और उनकी फैमिली तक इस नाजुक घड़ी में पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे जवान जब वो घर से गए होंगे पता नहीं उनके पास पैसा है नहीं है, उनके बच्चों की स्थिति क्या है, सरकार कब मदद करेगी। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग उन तक पहुंचे और उनके पैसे से और हर तरह से, जिस तरह से हो सके, दवा से, पैसा से, जिस्मानी ताबुन जिस तरह से कर सकते हैं हम लोग करें। खामोशी से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस देश के लिए हम लोग भी शहीद होंगे। जिस तरह से ये कारना हमला हुआ है उसकी जितनी भी भ्रष्टा की जाए, जितने भी निंदा की जाए वो कम है। आज पूरे भारत के नागरिक, पूरे भारत की जनता आंसू का, खून की आंसू रो रहा है। Thank you.
Yeah.
आगे आ जाओ आगे। हाँ हाँ बच्चे गाड़ी के बाहर। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद था और मुर्दाबाद रहेगा। ना वो मेरा है और ना हम उसके हैं। जब उसने निशान को माना उसने ये नहीं सोचा कि वो मुसलमान है, इसलिए वो हमारा नहीं, वो कभी भी हमारा नहीं हो सकता है। और मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरे पड़ोसों का, किसी का नहीं हो सकता है पाकिस्तान। और जो हमने निकाला है वो इसलिए निकाला है, इसको दिखाना हम नहीं चाहते। हमारे दिल में इतना दर्द है इन भाइयों के लिए। जब वो जाते थे तो हम सोते थे, आज ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये भाईचारा का पैगाम है। और मैं इस दुख की घड़ी में उन बच्चों के साथ, उन बेवाओं के साथ, उन शहीदों के माँ के साथ, उनके बाप के साथ मैं खड़ा हूँ। अगर हमारी सलाहियत हुई हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारा अज़्म है। और ये इंशाल्लाह आप लोग भी एक बार नारा लगाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके लिए पैसा फंड इकट्ठा करेंगे और उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोई राजनीति नहीं होगी, किसी सरकार के खिलाफ में कोई बात हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। वो हमारा प्यार था, हमसे चला गया, हम इसलिए रो रहे हैं। वो हमारा भाई था, वो हमारे देश का भाई था, वो हिंदू का भाई था, वो मुसलमान का भाई था, वो सिख का भाई था, वो ईसाई का भाई था। इस नाजुक घड़ी में हम पूरे तमाम देशवासियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग आपस में ना इत्तफाकी नहीं करें, आपसी भाईचारा बना के रखें। जहां हमारी जरूरत है हमें बुलाएं, और जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। आप लोग अपना दिल बड़ा कीजिए और हम भी अपना दिल बड़ा करते हैं। पुलवामा आतंकी हमला जो है पूरे राष्ट्र हिंदुस्तान के आत्मा भी है। और हम लोग पटना सरजमीन शहर अजीमाबाद से, ये सारे मुस्लिम समाज का तमाम तबका, तमाम नौजवान बूढ़े, हम लोग आज पूरे मुल्क के जो शोकाकुल है, हम लोग शोकाकुल है। और हम वीर जवानों की शहादत को खिराज अकीदत पेश करते हैं। और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार जुमलाबाजी और हवाबाजी और राजनीति से काम नहीं ले, इसकी निष्पक्ष जांच कराए और राष्ट्र स्तर पर नहीं, अंतर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए।
और दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसलिए कहीं न कहीं से इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्र में बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं न कहीं से इसके लिए जवाबदेह हैं कि ये बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी लापरवाही है। ये सेना हमारी रक्षा करते हैं, वो रात रात भर जागते हैं अपने परिवार को छोड़कर, तब हम चैन की नींद सोते हैं। ये खून हमारे जिस्म का, हमारे खून का एक एक खतरा हिंदुस्तान के लिए, जब भी जरूरत होगा हम अपना सर अपना एक एक बूंद बहाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए वो बेवकूफ लोग हैं जो आज भी सियासत कर रहे हैं, ना आज किसी पार्टी का मामला है, ना किसी धर्म का मामला है, ना ही किसी जाति का मामला है, ना ही किसी मसलक का मामला है। आज एक ही मामला है, वो भारत देश का मामला है, मेरे प्यारे हिंदुस्तान का मामला है। हम पूरे भारतवासी आज अपने शहीदों पर आज काफी आक्रोश में है, काफी गम में है और खून की आंसू रो रहे हैं। अगर आज किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति अगर शहीद हुआ है तो आज वो मेरा भी लाल है, मेरे हिंदुस्तान का भी लाल है। आज हम बिल्कुल गमजदा हैं और हम आज एक ही सरकार से भी मांग करते हैं कि बहुत हो चुका, अब जय चैच है, अब आइंदा ऐसी घिनौनी हरकत नहीं हो। आज जो हमारी सेना है, बहादुर सेना है, प्यारी सेना है, आप मीडिया कर्मी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आप अक्सर ये देखते होंगे कि जिस रोड से सेना का काफिला गुजरता है तो हमारे सेना जो है अपनी जनता को हाथ हिलाकर अपने प्यार का इशार करते हैं। आज हम लोग वाकई बहुत दुखी हैं। इसमें लोग सियासत न करें, इसमें पक्षपात न करें, इसमें सांप्रदायिक रंग नहीं दें। मेरा पूरे भारतवर्ष के लोगों से यही निवेदन, जय हिंद जय भारत। आप लोग देख रहे हैं कि पूरा हिंदू मुसलमान सब एक एकजहती के लिए खड़े हुए हैं और हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहिए कि मैं आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, तुमसे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए कि इस तरह की घटना कई बार हुई, वो बार बार आंसू बहाता है। हम लोग को आज 11 बजे मीटिंग भी हुई, इसमें गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो सत्ता पक्ष बात करेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, और सत्ता पक्ष को चाहिए कि एकदम उससे कोई समझौता नहीं करे और आर पार की लड़ाई कर ले, क्योंकि यहां गंगा जमुना तहजीब है, यहां सब हिंदू मुसलमान सब एक तरह के, यहां पर किसी को शक नहीं किया जा सकता है। सबके खून में चाहे कोई मेरा भाई हो, चाहे कोई मेरा बेटा होगा, चाहे कोई मेरा कुछ होगा। आज जिसके घर में इस तरह की घटना घटी होगी, क्या हुआ होगा, उस मजदूर को सोचना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन को करके रंग लाल करके और पूरे मैसेज दिया कि मैं गद्दार हूं और गद्दार वतन। इस तरह से हम लोग सीधा सीधी लड़ाई लड़ते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं। आज इस ऐतिहासिक स्थल पे हमारे इस इलाके के सारे मुसलमान भाई आए हैं, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के सभी भाइयों को आवाज दी है कि आपके दुख के घड़ी में, ये सैनिक के दुख के घड़ी में पूरे हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को हम प्रदर्शित करते हैं। और हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि अब हमें आंसू नहीं, हमें बदला चाहिए, हमें आंसू नहीं बदला चाहिए। और जब इस तरह की घटना होती है तो श्रद्धा सुमन हम लोग करते हैं और चले जाते हैं, हमारे सैनिकों के लिए कुछ नहीं होता है। तो मैं बता दूं, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ मुआवजा देने का कहा है और दे रही है, उसी तरह से मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वो भी ऐलान करे कि आने वाले अभी जो जितने भी लोग मारे गए हैं उनको 1 करोड़ मुआवजा के रूप में देंगे। और हम देश के सभी लोगों से एक चट्टानी एकता के साथ एक और अपील करना चाहते हैं कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज चाह रही है कि कुछ ऐसा हो जाए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, नहीं भाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, किसी पॉलिटिशियन के बात में नहीं आना है और इसी तरह के चट्टानी एकता को दिखाना है और किसी को इसका फायदा लेने नहीं देना है। वो सैनिक सबके लिए होते हैं, हिंदू के लिए होते हैं, मुसलमान के लिए होते हैं, सारे जनता के लिए होते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूँ चट्टानी एकता के साथ मैं श्रद्धा सुमन देते हुए अपने शहीदों को नमन करते हुए मैंने जो अपील किया है वो मांग करता हूँ। जय हिंद जय भारत। तोड़ना चाहता है पाकिस्तान आतंकवाद के नाम से। आज जितने भी मरे हैं सैनिक उसमें हिंदू है और मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हम सबसे पहले नंबर हिंदुस्तानी है, मुस्लिम और हिंदू हम सब एक हैं। और इस बार मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से
कि आप पाकिस्तान को एटम बम से उड़ा दो और उसके साथ देने वाला जो भी पड़ोसी देश है उसको भी एटम बम से उड़ा दो, उसको नेस्तनाबूद कर दो। और हम हिंदू मुस्लिम एक हैं, हम सबसे पहले नंबर भारत माता का नमक खाते हैं, हम नमक खाते हैं, इसे हम हिंदुस्तानी एक हैं। और इस बार अगर नेस्तनाबूद पाकिस्तान नहीं तो हिंदुस्तान का सेना हर एक पब्लिक सेना बन जाएगा और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेगा। और उसके पड़ोसी मुल्क जो भी है वो अगर आता है साथ में तो उसको भी हम नेस्तनाबूद करेंगे। भारत माता की जय, हिंदू मुसलमान की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर भारतीय जिंदाबाद, 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 अमर रहे, अमर रहे, एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं।